नमस्कार दोस्तों, समाचार जस्ट क्लिक के एक फ्रेश एपिसोड में मैं सिद्धांत नंदा आप लोगों का स्वागत करता हूं। हाइड्रोडायनामिक्स के थ्योरी के अनुसार पानी का बहाव ऊंची जगह से नीची जगह की ओर होता है, तभी तो पानी पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। क्या यह संभव है कि पानी पहाड़ी के नीचे से ऊपर की ओर लिया जाए, वो भी बिना मोटर बिना पंप के? जी हाँ, ऐसा ही कुछ संभव हुआ है ओडिशा के कलाहंडी जिला लांजीगढ़ ब्लॉक मालीजुबांग ग्राम पंचायत के सेरकुजला गांव में, जो कि 19.62 लेटीट्यूड, 83.22 लॉन्गिट्यूड और सतह से 2,283.4 फीट ऊंचा है। इस काम को कर दिखाया था कारजी मांझी ने, वो भी 1960 के दशक में, तब जब ना तकनीक इतने विकसित थे ना साधन उपलब्ध था। कारजी कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, एक अनपढ़ आदिवासी लड़का था, पर था दिमाग से तेज। अपने पारंपरिक ज्ञान कौशल का इस्तेमाल करके उसने ये कर दिखाया। जाहिर सी बात है, पहाड़ी के ऊपर से नीचे तक पानी बहता है, कभी पानी अपने आप पहाड़ी के नीचे से ऊपर तक नहीं बह सकता। लेकिन अगर वहां कोई दूसरी पहाड़ी हो जिसकी ऊंचाई पहले पहाड़ी से ज्यादा हो, तो दूसरी पहाड़ी से नीचे उतरने वाला पानी नीचे पड़ने पर उस पर प्रेशर उत्पन्न करता है। वो प्रेशर पानी को पहले पहाड़ी के चोटी तक पहुंचाने में सक्षम है। कारजी ने भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया। कारजी का खेत खंडवाल पहाड़ी के ढलान पर था। वहां खेती के लिए पानी का स्रोत यानी केवल बारिश, और पीने का पानी मीलों दूर नांगुल नदी से लेकर आना पड़ता था। कारजी ने नांगुल नदी के रास्ते में लकड़ी और बांस का डोंगा बनाकर पानी का रास्ता मोड़ दिया, मिट्टी काटकर नहर के लिए रास्ता बनाया, और वो पानी अब उसके खेत तक जा पहुंचा। उसी पानी को पहाड़ी के दूसरे तरफ बहने वाले सांगुल नदी में उसने जोड़ दिया। अब प्यासा पानी के पास नहीं, पानी खुद चलकर प्यासे के पास जा चुका था। आसपास के लोग इस बात से हैरान थे, लोग तो कारजी को देवता मानने लगे। बात आग की तरह चारों ओर फैलने लगी। लोग कारजी के पास मदद मांगने के लिए आए। कारजी ने ऐसी छोटी बड़ी परियोजनाएं करीब करीब 40 गांव में बनाया। कैसे बनाया, आइए उसी के गांव चलकर देखते हैं। नमस्कार, आप कारजी माजी के लड़के हैं? जी हाँ। ये सारा कैनल क्या आपके पिता ने बनाया है? हाँ, उसी ने किया है। क्या आप भी अपने पिता के साथ ये सब बनाते थे? कभी कभी। आपके पिता ये सब कैसे करते थे? मैं भी कोशिश करता हूँ अपने गांव वालों के लिए, ऐसा कहकर उसने ये काम शुरू किया। और फिर यहाँ से लेकर के मालीजुबांग पंचायत के जितना जगह है, धीरे धीरे हर जगह उसने नहर बनाया, सारा काम खत्म कर दिया। मालीजुबांग पंचायत में सरकारी कैनल नहीं, खाली कारजी कैनल? खाली कारजी माजी का ही प्लानिंग है। पूजा करते थे? हाँ, पूजा करता तो था। वो एक बड़ा पत्थर उठाता, पहले एक पत्थर उठाता और वो पत्थर उठाकर ऐसे रखता था, फिर उस पर सिंदूर, मुर्गी, सुअर, नारियल, धूप सब लगाता, चढ़ाता और पूजा करता। फिर उसके बाद वो पूजा किसकी करता था? जलकामिनी देवी, नदी पानी को पूजा करता। जलकामिनी देवी को पूजा करता था? ठीक। जलकामिनी देवी का नाम लेकर पूजा करता था। बांध बांधने के लिए पूजा खत्म होने के बाद उधर ही सुअर का खून, मुर्गी का और अपने छोटी उंगली का खून देता था वहां पे, और फिर उसे फिर पत्थरों का बांध लगाकर उसको पानी छोड़ने के लिए इधर उधर छोड़ता वो।
उसके बाद वहाँ पे वो पत्थर को पूजा करके चावल, तीन मुट्ठी चावल ऐसे फेंकता और फिर तीन फावड़ा खुदाई करता, नहीं मिट्टी खोदता और फिर उसे फेंकता, फेंक देता। पूजा खत्म। अब बोलता है जाओ खाना पीना करो, उसके बाद उसका काम करेंगे, फिर जाके काम शुरू होता। बीजू बाबू के टाइम पे पिताजी को बुलावा आया था, आया उसके बारे में कुछ बताइए। तब कलेक्टर आए और आकर के हाथ पकड़े, हाथ पकड़े तो क्या बोलता है, क्यों मेरा हाथ पकड़ रहे हो, मैं कंध हूं, मेरा हाथ मत पकड़ो। तब यहाँ पर चेयरमैन थे और वो क्या बोलता है, अरे अब्बा यहाँ जाते जो कलेक्टर निके बिजू बुढ़ा तक वाये ने जो घूमने स्वराज्य लगे जो हर किन हाथ मिले से किन जरे जो निके चाहते लगा ही गुड़ा जी ले जो अमर बापा रेट कोई दूर जाएंगे कहाँ तार मोटर कहाँ कहाँ ऐटा का हाथ। मेरे पिता ने कहा मैं कौन हूँ, मेरा हाथ मत पकड़ो। तब उसने समझाया कि ये कलेक्टर हैं, ये तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ रहे, तुमसे हाथ मिला रहे हैं, तुम्हें नमस्ते कर रहे हैं। ओहो मुझे नमस्ते कर रहे हैं, ऐसा है तो मैं नहीं जानता साहब, मेरा गलती हो गया, मुझे माफ कर दो, मैं नमस्ते करता हूँ, ऐसे करके उसने समझाया। कलेक्टर बोले ठीक है बैठो बैठो, मैं कलेक्टर हूँ इस जिला का जिलापाल, समझे, तुम्हें बीजू बाबू ने बुलावा भेजा है भुवनेश्वर जाने के लिए। तो वो बोला नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मेरे तीन लड़की और चार लड़के और सात लोग और ऊपर से माँ बाबा सात दो नौ लोग, इतना बड़ा परिवार है मेरा, कौन इनको संभालेगा, मैं चला जाऊंगा तो। नहीं मौसा मंत्री जी तुम्हारी मदद करेंगे, इतने लोगों का काम किया किसी ने कभी कोई मदद नहीं की, ये क्या मदद करेंगे, पैसे दूंगा बोलता तो समझ में भी आता। ओ, उन्होंने मदद बोला है, पैसा होता तो समझ जाता। वहां गए पहुंचे बोले नहीं बूढ़े ने नहीं बोला, तो अब क्या कर सकते हैं, जो भी उनको पैसे वैसे भेजने हैं वो भेज दिया जाए। फिर वो पैसे वो लोग लेकर के घर तक आए, लेकिन तभी हमारे पिता और उनके दोस्त सब, तब हमारा पुष्पुनी का पर्व चल रहा था, निशान पकड़े मिट्टी विट्टी हुए और जाके बजा रहे हैं नाच रहे हैं। देर हुई तो उन्होंने पूछा कब आएगा, गांव वालों ने बोला क्या बता सकते हैं। फिर माँ, माँ ने कहा, नहीं माँ ने भी कहा, गांव वालों ने भी कहा ये क्या बता सकते हैं, वो तो पर्व जाने वाला आदमी बुरा तो किसी नहीं जाने बोले जयराम डेगा रोग यहाँ दशरथ साउथ ले नहीं बोले लगा पार कौन के डाक ले बेनगार जयराम गोटे से मारवाड़ी लोक गोटे पिला नहीं सीखे बेनगार से मैंने गले ना सब गले खत्म ही गले ना मारवाड़ी आ रही तो पुजारी के तो जो के माने कोले तो हिंती आसी चन गोटे टीम आसी चन तो काके बोली का कोई सी क्या कहते जन आसी नहीं ना रिजल्ट से तो है दोस्त को दी दे रे बोला ताके गोटे सोए के 200 धरे देले टिप ची ना मार ले पैसा उठे तो छोड़ो पैसा पत्र खाई दे काही ने लेर काट दे। यानी बीजू बाबू ने जो पैसा भेजा था उसे नकली दस्तखत दे करके लाने देने वालों ने ही लूट लिया। जो वादे तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक जी के समय किए गए थे, उनके बेटे नवीन पटनायक जी के 5 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कारजी या उसके परिवार तक नहीं पहुंचे। क्या आपको नहीं लगता 1960 के दशक में अपने पारंपरिक ज्ञान कौशल के माध्यम से उम्मीद की किरण लेकर आने वाला कारजी, उसका नाम उसका काम अंधेरे में कहीं खो गया? क्या आपको नहीं लगता ऐसे इंडिजियस इंजीनियर के बारे में हमारे आने वाले पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को जानना चाहिए? ये हमारे धरोहर हैं साहब, हमारे इतिहास हैं, हमें इन्हें संजो कर रखना होगा हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए।